हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं 8th क्लास के, सबसे पहले बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये साइंस रिलेटेड है, यानी जो विज्ञान है उसके ऊपर ये जो टॉपिक है वो लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बच्चों, अपने उंगलियों में या पैरों के जो नाखून होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। आप इनको हर 10 दिन या 10-5 दिन में आप काटते होंगे, फिर भी ये अचानक बढ़ने लगते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं काटने के बाद भी। ठीक उसी तरह से जो हमारे बाल होते हैं वो भी हमेशा अक्सर बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे नाखून और बाल, ये दोनों चीज़ें क्या है, काटने के बावजूद भी बढ़ती है। तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है हमें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून बढ़ने की बहुत सी वजहें हैं। तो ये जितनी भी वजह है क्यों बढ़ते हैं और वैज्ञानिक कारण क्या है इसका, साइंस इसके बारे में क्या बोलता है, जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके ऊपर जो रिसर्च किया है और नाखून बढ़ने का जो कारण है वो ढूंढा है, तो इस पार्ट में वो पूरा कारण अच्छे से यहाँ पे अच्छे से स्पष्टीकरण किया है। तो जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेसन में हम नाखून के बारे में पढ़ेंगे और नाखूनों में क्या पाया जाता है और कौन से केमिकल होते हैं, कौन से तत्व होते हैं जिसके कारण नाखून हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे बच्चों, कोई भी आप लेसन स्टार्ट करते हो तो हमेशा जो कवि होता है या जो कवित्री होती है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सवाल में कवि और कवित्री के बारे में परिचय पूछते हैं, उनके जो जन्म है और मृत्यु है वो कहाँ पे हुआ, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके जो कवि है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको उनके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। उनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई थी। उनका परिचय इस प्रकार है कि द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। यानी जो द्विवेदी जी थे ये एक तरह से बहुत सी भाषाओं में लिखा करते थे। यहाँ पे कुछ भाषाओं का यहाँ पे उल्लेख भी किया गया है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला। ठीक है, ये जो हमारी भाषाएं हैं ये बहुत पुरानी हैं, जैसे संस्कृत, और ये संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और इसका अनुवाद आज तक जो गूगल है वो भी नहीं कर पाया है, यानी संस्कृत भाषा को गूगल भी आज तक नहीं समझ पाया है। आपने गूगल के उस पे देखा होगा कि कितने सारे लैंग्वेज में आपको अलग अलग वॉइस नोट मिलते हैं या अलग अलग भाषाओं में आप टाइप कर सकते हैं, परंतु एक संस्कृत ऐसा भाषा है जिसके बारे में गूगल आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। और संस्कृत के बारे में आप उस पे आप कुछ बोलेंगे संस्कृत में तो वो आपकी जो वॉइस है संस्कृत वाली वो भी नहीं पहचान सकता। तो एक तरह से जो हमारी संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला ये सब भाषाओं में क्या थे, वो विद्यमान थे, यानी उनको इस भाषाओं में बहुत ज़्यादा ज्ञान था और इसके ऊपर ही वो लिखा करते थे। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जैसे अशोक के फूल, कल्पकता, निबंध, बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, उपन्यास आदि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको उनका परिचय बता दिया। अब हम क्या करेंगे, जो उनका आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में क्या विश्लेषण किया है और क्या बताया है, ये हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अपज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटने ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। यानी यहाँ पे नाखूनों के बारे में ये कहा गया है कि नाखून हमेशा आपको ये देखने को मिलता होगा कि 4-5 दिन में ही वापस बढ़ने लगते हैं और हम उनको जितने बार काटते हैं वो उतने बार ही बढ़ने लगते हैं। तो इसी के ऊपर वो कहते हैं कि ऐसा ये कौन सा चीज़ है जो इतना काटने के बाद भी ये हमेशा रुकता नहीं है और निर्लज अपराधी की भांति हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे।
असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, मगर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों से भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यानी यहाँ पे आपको ये बताया है जो आपका जो इतिहास था ना, कि किस तरह से जो हमारे पूर्वज थे कैसे थे, बंदर थे, जंगली थे, यानी जो हमारा पास्ट था, जो हमारे पूर्वज थे वह कैसे थे, बंदर के जैसे थे। और उस वक्त नाखूनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे बताया गया लेखक ने कि उसी वक्त से क्या है, नाखून आज तक बढ़ते आ रहे हैं। और जैसे जैसे इंसानों की प्रवृत्ति बदलती जा रही है, जैसे जैसे इंसानों में चेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंसान क्या चाहता है कि ये जो नाखून है वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो इसके लिए मनुष्य क्या करता है, उनको बढ़ने से पहले ही काटता चला जाता है। ठीक है, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे जो नाखून बढ़ते हैं वो क्या है, नाखून बढ़ना एक जो जो हमारे जो पूर्वज थे, यानी जो हमारे पूर्वज कैसे थे, जंगली थे, बंदर के जैसे थे, तो वो जो नाखून बढ़ना है वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। और जो नाखून काटना है वो किसकी निशानी है, मनुष्यता की। यानी मनुष्य क्या रहना चाहता है, साफ सुथरा रहना चाहता है, अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहता है, इसीलिए मनुष्य क्या करता है, उन नाखूनों को काट देता है ताकि वो बढ़े। और बढ़ने के बाद बेकार कैसे दिखने लगते हैं, वैसे ना दिखे, इसके लिए मनुष्य क्या करता है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए उन नाखूनों को काटता रहता है और वो अपने आप को बेहतर बनाता है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका में मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद संभवतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं, इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पे आपको ये मैं बता दूँ कि क्लियर कर दूँ कि इंसान क्या सोचता है कि जो हमारे पूर्वज हैं हम उनको लेके बढ़ रहे हैं, या जो हमारा आज का मनुष्य है इस विशेषता, इस मतलब इस विचारधारा को लेके बढ़ रहे हैं, या पूर्वजों की विचारधारा को लेके बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, मनुष्य कन्फ्यूज है। परंतु जैसे जैसे क्या कर रहा है मनुष्य, अपने जो पास्ट है, जो अपना पूर्वज है, उनको जैसे जैसे भूलता जा रहा है, वैसे वैसे वो नए अपने मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। परंतु जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी परंपराएं हैं, वो उनको अपने साथ क्या रख रहा है, समेट के रखा हुआ है। और अपनी विशेषताओं के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में वो क्या कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है और उनको कभी भी कम नहीं आंक रहा है। परंतु वो क्या करना चाहता है, एक नए बदलाव के साथ वो जो अपने विचार हैं, जो उनकी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, न कि पुराने विचारों के साथ। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकों को बुरा समझता है, वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यानी यहाँ पे ये पूछा है कि एक मनुष्य और एक पशु में क्या अंतर है, ये बताइए। क्योंकि पशु के भी नाखून होते हैं, वो भी चलता है, वो भी अपने जो पशु है उनके बीच बात करता है, वो उनमें भी क्या होती है, लोगों को समझने की एक मानसिकता होती है, वो भी लोगों से प्रेम करते हैं, वो भी लोगों की भावना समझते हैं,
तो उसी प्रकार से मनुष्य भी उसी तरह से होता है, वो भी कहीं लड़ाई हो रही होती है तो वो नहीं जाते हैं, जिससे मनुष्य क्या करता है लड़ाई वड़ाई में नहीं जाता है, उसी तरह से जो जानवर है वो भी वैसा ही निभाते हैं। तो यही यहाँ पे ये पूछा है कि जो मनुष्य है और पशु है इसमें क्या अंतर है, सिर्फ वचन मन और शरीर से किए गए अत्याचरण को गलत मानता है, यानी जिस तरह से मनुष्य कर सकता है उस तरह से जो पशु है वह नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए, और प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। यानी यहाँ पे ये भी आपको ये पूछा है, ये प्रश्न सबके मन में एक डाला गया है कि कब ऐसा हो संभव हो पाएगा कि जो नाखून है वह बढ़े ही ना। तो जितने भी बच्चे हैं वो भी सोच रहे होंगे कि ना नाखून बढ़ते, ना उनको काटने का झंझट होता, ना किसी प्रकार की कोई परेशानी होती। तो इसके बारे में सभी विचार करते हैं कि जो हमारे नाखून है वो कभी बढ़े ही ना, ताकि हमको काटने का उसको कोई परेशानी ना हो। तो इस पे जो वैज्ञानिक है, जो प्राणी शास्त्री है, वो कहते हैं कि जो हमारे जो पूर्वज थे उनके क्या थे, पूंछ थे, जैसे बंदरों के पूंछ होते हैं, कैसे धीरे धीरे उनमें परिवर्तन होता गया, उनका इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे जो उनका पूंछ था वो क्या हो गई, वहाँ से विलुप्त हो गई। और जिस तरह से जो बंदरों वाला चेहरा था मनुष्य का, उसी तरह से अभी कैसे हमारा चेहरा है, परंतु जब जो हमारे पूर्वज थे उनका कैसा था, एकदम घने बालों वाला, बंदर के जैसा मुंह, बड़े बड़े दांत थे और बड़ी बड़ी उंगलियां थी, हाथ ज़्यादा लंबे थे, परंतु आज के जो मनुष्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता आ गई है। उसी तरह से जो नाखून है ये जो पशु की निशानी है, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, जिस तरह से पूर्वज थे हमारे, वो निशानी भी क्या हो जाएगी, आने वाले वर्षों में धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। और जो नाखून बढ़ना है ये क्या है, हमारे पशुता की निशानी है, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, और नाखून ना रखना, नाखून को काटना, ये हमारे जो मनुष्य है उनकी निशानी है, उनकी इच्छा है और उनका मन है कि वो अपना नाखून नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व को द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह ना जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभी यहाँ पे ये बताया है कि जो मनुष्य है उसमें जो घृणा होती है, किसी तरह की बुरी चीज़ें होती है, वह कब आती है, वह सीखने से ही आती है। परंतु जो पशु होते हैं उनमें जन्म से ही ये चीज़ होती है, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए लड़ना पड़ता है हर चीज़ के लिए, खाने से लेकर रहने तक के लिए जो जानवर है, जो पशु है, उनको लड़ना पड़ता है। परंतु मनुष्य क्या करता है, वह हालात के कारण, किसी चीज़ के कारण, बुरी संगति के कारण ये सब चीज़ों में फंस जाता है और बुरा बनता है, वह जन्म से ही बुरा नहीं होता। तो ये बात आपको समझनी होगी। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम है, मैत्री है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है उसको काट देना उस अस्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यानी यहाँ पे क्या बताया है कि मनुष्य क्या है और जानवर क्या है, इन दोनों में फर्क बताया है, ठीक है। तो पशु क्या होते हैं, जन्म से ही उनकी भावना क्या रहती है कि हमें खाने के लिए भी लड़ना है, रहने के लिए भी लड़ना है, यानी हर चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं होता, वो प्रेम से भी, मैत्री से भी, त्याग से भी अपने आप को क्या करता है, प्रूव करता है। यानी मनुष्य में दोस्ती करने की भावना होती है, कुछ त्याग करने की भावना होती है, और दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की भावना होती है। ये मनुष्य की उसका चरित्र है, ठीक है। जिस और ये चरित्र पशुओं से क्या है, पूरी तरह से उल्टा है। जिस प्रकार पशु अपने आप को साबित करने के लिए लड़ाई करते हैं, परंतु मनुष्य क्या करता है, साबित करने के लिए ऐसे कोई भी गलत काम नहीं करता जब तक उसको कोई मजबूरी ना हो या कोई बुरी संगत में ना फंस जाए।
और यहाँ पे ये भी कहा है कि जो नाखून है उनका बढ़ना क्या है, निश्चित है, यानी नाखून बढ़ना कभी रुकेंगे नहीं जब तक कि कोई परिवर्तन नहीं आता, नया इवोल्यूशन नहीं आता, मनुष्य में वापस कोई चेंज नहीं होता, तब तक जो पशुता है हमारे अंदर वो कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। और जो मनुष्य है उसका क्या है, एक जो धर्म है जो निर्धारित है, वो उसे क्या करना चाहता है, उसका जो चरित्र है वो क्या है कि जो भी पशुता है उसके अंदर वो क्या करता है, उन्हें काट देता है। जैसे बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये क्या है, पशुता की निशानी है। और ये पशुता की निशानी वो क्या कर रहा है, काटता चले जा रहा है, और आगे भी वो क्या करेगा, इन नाखूनों को काटता चले जाएगा जैसे जैसे ये नाखून बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो लेसन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ गया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के लिए जो सरल भाषा है उसमें ही ये बताया गया है कि नाखून बढ़ना एक पशुता की निशानी है। परंतु अगर आप साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो बच्चों, अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हो, तो आप नाखून क्यों बढ़ते हैं ये साइंस रिलेटेड आप सर्च करो, आपको एकदम एग्जैक्ट रीज़न मिलेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक अच्छा सा होमवर्क है, और आपको ये जानकारी हमेशा याद रहेगी पूरी लाइफ टाइम। और अपने आप माता पिता को भी ये जानकारी आप बता सकते हो कि मम्मी पापा हमारे जो नाखून है, बाल है, ये क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जो आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने अच्छे से ये बच्चों के लिए एक पार्ट बनाया है ताकि बच्चे इसे पसंद करें और साइंस में थोड़ा रुचि लें, ठीक है। तो अगर बच्चों ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो ये इस वीडियो को लाइक कर ले, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और साथ में जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, और उन्हें भी कहें कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।